अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कस्बा 7 न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद इरफान इस्माइल है और मैं चैलेंजर्स टाइकोंडो क्लब का फाउंडर है, जनरल सेक्रेटरी हूं। आज मेरे जो है ना टोटल 9 स्कूल्स में से आज मदीना पब्लिक स्कूल हिमायत नगर के जो है ना CBSE क्लस्टर में 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 6 बच्चियाँ हैं और 4 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं ये जो है ना न्यूज़ आप लोगों को कस्बा 7 न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है ना चेन्नई तमिलनाडु जा रहे हैं, नमक्कल में कॉम्पिटिशन होने वाला है। और जैसा कि हमेशा की तरह इस बार भी जो है ना गर्ल्स का परसेंटेज ज़्यादा है, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इस बार कंपटीशन में हम लोग जा रहे हैं, इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बच्चे अब पूरे बड़े बच्चे जा रहे हैं और हमारे साथ जो है ना हमारे एक फीमेल कोच है ज्योति टीचर है, ये हमारे साथ चल रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि हम लोग हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करते रहिए, हमारे साथ रहिए, जज़ाकअल्लाह। चलो बस अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स मदीना हाई स्कूल के स्टूडेंट्स एंड मदीना पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने, CBSE क्लस्टर्स में जा रहे हैं हमारे बच्चे। ये पूरा साउथ जोन का कंपटीशन है, इसमें 6 स्टेट्स के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टाइक्वांडो में हमारे 10 बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ हमारे 2 कोच भी जा रहे हैं चेन्नई, और हमें उम्मीद है कि जैसे आज हमारे और एक स्टूडेंट ने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में CBSE क्लस्टर्स में, वैसे ही आज हमें उम्मीद है कि टाइक्वांडो में भी हम काफ़ी गोल्ड मेडल्स लाएंगे। और बहुत खुशी की बात यह है कि 10 बच्चों में से 6 लड़कियाँ हैं और 4 लड़के हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियाँ भी आगे बढ़ रहे हैं और पेरेंट्स एंकरेज कर रहे हैं लड़कियों को पार्टिसिपेट करने में। तो सिर्फ जीतना हारना ही नहीं है, इसमें पार्टिसिपेट करना खुद एक जीतने के बराबर है, क्योंकि CBSE क्लस्टर में आपको जो एक्सपोजर मिलता है, आप जाके कई स्कूल्स के बच्चों से मिलेंगे, वहाँ पे 100 बच्चे रहेंगे, तो बच्चों का काफ़ी इससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और ट्रैवल करने से भी बच्चे बहुत सीखते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे कोच सर का, हमारे इरफान सर, और हमारे और एक कोच भी हैं, वो भी जा रहे हैं इरफान सर के साथ, जूनियर कोच हैं वो जी, हाँ ज्योति भी है जी, हाँ हमारे PT टीचर ज्योति भी जा रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है और हमारे पूरे स्टूडेंट्स को मुबारकबाद, हमारे पेरेंट्स को मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि दुआ करिए कि कोई गोल्ड जीते इसमें से। कितने दिन का प्रोग्राम है मैडम? ये पूरा 5 दिन का स्टे है लोगों का वहाँ पर। थैंक यू सो मच।